राजस्थान के 17 जिलों के अंदर हीट वेव का अलर्ट है। वही आने वाली 10 तारीख यानी कि 10 मई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और इसके चलते हुए बारिश होती हुई भी नजर आएगी। राजधानी जयपुर सहित कोटा संभाग और ऐसे कौन कौन से संभाग है जिनमें बारिश होगी, लेकिन वहीं अभी 2 दिन बचे हुए हैं और इन 2 दिन के अंदर कहां कहां पर तापमान क्या कुछ रहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा तापमान अभी बाड़मेर के अंदर 45 डिग्री को पार कर चुका है। तो दिखाते हैं राजस्थान का मौसम अभी क्या कुछ बयां कर रहा। राजस्थान के 17 जिलों में आज हीटवेव का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं 10 मई से राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसमें 16 जिलों में बारिश की संभावना है। इससे पहले बुधवार को जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में तेज गर्मी के साथ उमस रही। कल सीजन में पहली बार राजस्थान में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। तेज गर्मी और हीटवेव को देखते हुए कई जिलों में कलेक्टर ने स्कूल की टाइमिंग को कम कर दिया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में अगले 48 घंटे के दौरान गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी जताई गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 10 तारीख से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से उदयपुर कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी और बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।